काफी आज ज्यादा दुनिया में कोविड है, कोविड-19 1918 में पहला जो है वो महामारी दुनिया में आई थी, जिसमें 5 करोड़ लोग जो है वो उनकी मृत्यु हुई थी द्वितीय प्रथम विश्व युद्ध के बाद, जिसमें पूज्य महात्मा गांधी भी संक्रमित हो गए थे। आज भी उसी प्रकार की महामारी एक आई है, उसमें महामारी के कारण जो है वो जहाँ पर डर की व्यवस्था बनी है, साथ ही साथ जो है वो लोग की जान के ऊपर जो है बन पड़ा है, उसमें निश्चित रूप से जो है सारी दुनिया की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उसमें जो है वो स्लैकनेस आई है, कमी आई है, काम ही नहीं है। आप हिमाचल प्रदेश में देख सकते हैं कि आज टूरिज्म खोल भी दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी टूरिस्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि सबको डर है। तो इसलिए जब अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल बंद पड़ी है, तो निश्चित रूप से GDP जो है वो कम होगी, लेकिन भारत का जो नेतृत्व तो है वो इतना मजबूत है कि अमेरिका में तो जितने लोग जो हैं वो इतना बड़ा देश है, विकसित राष्ट्र है, वहाँ पर जितने लोग मर गए हैं हिंदुस्तान में उतने लोग संक्रमित भी नहीं हुए, क्योंकि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की बात मान करके हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति ने जो है लॉकडाउन में भाग लिया है, जो अमेरिका जैसे देश में जो है कोई किसी नेता की नहीं मानता है। तो इसलिए इस अर्थव्यवस्था को भी ठीक किया जाएगा, हमारा जो नेतृत्व है सक्षम नेतृत्व है, आम जनता के प्रति रिस्पॉन्सिव नेतृत्व है, प्रजातंत्र है यहाँ पर, इसलिए लोगों को जो है वो फैसिलिटीज़ जो देश जा सकती हैं वो दी जा रही हैं, GDP भी बढ़ेगी, कमी हुई है निश्चित रूप से लॉकडाउन के कारण होगी। घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा ये एहसास रहता है, उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।